हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द पीएचपी सीरीज। सो स्टार्टिंग विद टुडे टॉपिक, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ब्रेक एंड कंटिन्यू बोथ आर यूज्ड टू स्किप द इटरेशन ऑफ अ लूप। मतलब आपको पता ही है, लूपिंग जो है वो कंसेप्ट है एक स्टेटमेंट को बार बार घुमाने का, जिसको कि हम इटरेशन बोलते हैं। तो अगर हमने भी जब हम इटरेशन कर रहे हैं और कोई स्टेप ऐसा है जिसको कि हमने स्किप करना है, उसको छोड़ना है, तो हम लोग ब्रेक या कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो हमें हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। डिफरेंस इनमें, मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द लूप को, उसके जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होती है उसके बाद जो भी लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो, अगर हमने कोई कंडीशन दी हुई है उसमें वो ट्रू आती है इवेलुएट होकर, और उसके आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो वो करंट इटरेशन उस टाइम की स्किप होती है और रेस्ट ऑफ द लूप वैसे ही चलता रहता है। ये हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। प्रैक्टिकल पीएचपी मैंने इसीलिए ऑप्ट किया था ताकि ये इंटरेस्टिंग रहे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर हो। तो ये एक एग्जांपल है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगी। ये हम लूप चला रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। जब हमारी कंडीशन जो है वो 2 आएगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो एनकाउंटर होगी। मींस ये है, जब i 2 होगा तो 2 की वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगी। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये मेरे पास है, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक सारी जो है 9 तक वो प्रिंट हुई हैं। लेकिन जब हम 2 की बात करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है वो स्किप हो गई है। मींस जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई तो उसके बाद 2 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट इसमें क्या चेंज लाती है। जब हम ब्रेक लिखेंगे तो ये लूप जो है सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि जैसे ही 2 आया, ब्रेक जो थी वो स्टेटमेंट आई और उसने पूरे के पूरे लूप को, कंप्लीट लूप को टर्मिनेट कर दिया और उससे बाहर चला गया। अब मैं कंडीशन यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, अगर 5 लिखता हूँ तो 4 तक प्रिंट करेगा ये, राइट। सो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके बाद हम लोग आज एक एग्जांपल करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस एग्जांपल को और बाद में अपने होमवर्क में इसको करना भी है। तो मैंने एक पीएचपी में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि प्रिंट कराना है अपना नाम। जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिया है राम। आपको पता ही है डॉलर नेम में मैंने एक एरे बना ली है जो कि सिमिलर आइटम की है, उसमें मैंने अपने नाम की स्पेलिंग दे दी है। और एक और वेरिएबल लिया है एम्प्टी वेरिएबल, जिसमें कि मैं कंप्लीट नाम स्टोर करूंगा और बाद में उसको प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एरे में, हमने कल देखा था एक फॉर ईच लूप जो कि पूरी की पूरी एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करता है और हर बार मैं इको वैल्यू करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो राम है ये यहाँ से प्रिंट हो रहा है, और इसके बाद मैंने क्या किया है, ये एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। मींस जो स्ट्रिंग आती है नेम सी में, इनिशियली कुछ नहीं है, पहली बार आया तो आर आ गया और दूसरी बार ए आ गया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है उसमें राइट हैंड साइड की वैल्यू को अपेंड कर रहा है।
तो ऐसे जब ये चलता गया तो इसमें नेम सी में कंप्लीट राम आ गया और फिर मैंने उसको प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, कॉमा ए कर दूँ, तो अब ये रामा बन गया है। चार इसमें सबसे पहले ऊपर रामा प्रिंट होगा और माई नेम इज़ रामा। एग्जैक्टली यही आउटपुट है। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है और उसको प्रिंट कराना है। सिमिलरली हम लोग काफ़ी जो बेसिक पार्ट है हमने कवर कर लिया है। कल हम लोग फंक्शन करेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है उसके ऊपर फोकस करेंगे, जिसमें कि हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, उसको बैकएंड से भी जोड़ेंगे। होपफुली आप लोग इसको समझ रहे होंगे। अभी तक क्वेरी तो मेरे पास कोई नहीं आई है, लेकिन फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में पेस्ट करें, मैं आपको उस क्वेरी का सलूशन जो है वो भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे